डाइटिशियन ने कहा है रोज 2 अंडे खाने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। समझ गए तुम दोनों? ये है ब्रेकफास्ट। तुम ही चाहती थी ना, अब बुक तो। माँ, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे निकलना होगा। अरे तुम पहुँच जाओगे, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ, चलो बैठो। सही कहा, आंटी ने इतना सारा नाश्ता बनाया है, खा लो पहले। मौसम काफी खराब है, इसलिए अंडों का सूप पी लो ताकि तुम तंदुरुस्त रहो। समझ गए मेरी बात? अरे बेटा, ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो? मुझे बताओ, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है? पीकर तो देखो। कहाँ जा रहे हो? जाने दो मुझे। नहीं जा सकते, रुको। जाने दो। माँ। हाँ? मेरी 8 बजे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, मुझे निकलना होगा वरना लेट हो जाऊंगा। ये सारा ब्रेकफास्ट तुम खा लेना, ठीक? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? क्या होगा इसका, ये बचपन से ही ऐसा है। चलो उसको तो छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। इसमें मैंने रेड डेट्स, स्नो गेंसिंग जैसी चीजें डाली हुई है, ये सेहत के लिए काफी अच्छा है। हो गया, चलो पी लो। ये कुछ ज्यादा ही हेल्दी नाश्ता नहीं है आंटी? मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें इसकी जरूरत है, चलो पी लो अभी। हाँ ठीक है। चिमचिम बेटा। हाँ बोलिए ना आंटी। हद है, ये अभी क्यों आई है जब मुझे अपना काम खत्म करना है। चिमचिम, कब से ड्राइंग करे जा रही हो, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो ये खा लो। शुक्रिया आंटी। अरे कोई बात नहीं। आंटी आप सुबह जल्दी उठ गई थी, आपको आराम कर लेना चाहिए। नहीं तो, मुझे तुम्हें काम करते देख ही आराम मिलता है। तो मेरी चिंता मत करो, अपना काम कर लो। ठीक है। आंटी, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं क्या? मुझे पूछना था, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद क्या हम शॉपिंग करने जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं तैयार होती हूँ। ठीक है आंटी। अब क्या करूँ? चिंचिन जरा इसे देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ हाँ, लेकिन मैं ये किसके लिए खरीदूं? मुझे खुशी होगी अगर मैं जल्दी ही दादी बन जाऊं। आंटी हाँ? क्यों ना रात के खाने के लिए हम कुछ सामान खरीद ले। ठीक है। चिन, अब तुम्हें ज्यादा सी फूड खाना चाहिए, सी क्यूकम्बर, कटलफिश और बाकी सारे, तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। चिन, तुम्हें सब कुछ खा लेना चाहिए। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि सी फूड में आर्जिनाइन, आयोडाइन, आयन, कैल्शियम और इत्यादि रहते हैं। सुनो बेटा, ये तुम्हारे लिए इस समय अच्छे रहेंगे। आंटी हाँ? मैं देख कर आती हूँ, यहाँ पर कहीं कपड़ों के लिए डिटर्जेंट मिलेगा क्या?
आह सुनो बेटा, मुझे अचानक से याद आया कि मैंने कुछ देखा था। मैं एक बार चेक करके आती हूँ, जरा तुम पेमेंट कर देना प्लीज। ये लो, इस कार्ड से पेमेंट कर दो। तुम्हें पिन तो पता होगा ना? हाँ बिल्कुल पता है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जल्दी फोन उठाओ। हेलो, तुम्हारे कार्ड का पिन क्या है? जल्दी बताओ अभी। और वो मैं क्यों बताऊं? तुम्हारी माँ ने पेमेंट के लिए अपना कार्ड दिया है। अगर नहीं बताओगे तो हम दोनों का भांडा फूट जाएगा। मैं टेक्स्ट करता हूँ। हाँ एक और बात, तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी तुम्हारी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, क्या पे करना चाहेंगी? हाँ हाँ हाँ, इस रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। हाँ, देखो तो कितने अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ। हाँ मैं एक तरह से रेगुलर कस्टमर हूँ। हाँ अच्छी जगह है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये ऐसी बात है, मैम हमारी वीआईपी गेस्ट है और मैं ही उनको हमेशा सर्व करता हूँ, इसीलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी मजेदार है बिना इनके काम करना, वो भी बिल्कुल मेरी तरह? मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी एक सलाह मानो, सही डिसीजन लो और मुझ पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। सुनो मैं, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे दोस्तों को कुछ और काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कौन है? हाँ ये मेरी नई क्लासमेट है, इसका नाम सुसु है। अच्छा नाम है ना, इसे भी कॉमिक बहुत पसंद है। ये मेरे भाई हैं, बहुत बुरे हैं। हाँ? इनसे दूर रहना। क्या? अपनी बकवास बंद करो। चिंग चिंग, तुम अभी भी बुक स्टोर पे कॉमिक पढ़ने जाती हो? हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। भाई मैं और सुसु घर आने से पहले कॉमिक पढ़ने जा रहे हैं, आप घर जाओ, चलो चलते हैं। तुम्हें पता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉमिक बुक स्टोर है और उसमें बहुत सारे डेकोरेशंस भी हुए हैं, हम वहाँ पिक्चर्स भी ले सकते हैं साथ में, और तो और साथ में खेल भी सकते हैं उसके बाद। अब भाई ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ मैंने अभी तक मेरे बारे में नहीं बताया, मैं इसका भाई हूँ जो जी श्वान, और अब से तुम मुझे श्वान करके बुलाओगे, सुना तुमने? श्वान। ये लो, ये तुम दोनों के लिए है, इसे पी लेना। हाँ ठीक है, अब घर जाओ। ठीक है, जल्दी कराना। हाँ समझ गई।